सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टेबलेट के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम जिस टेबलेट के बारे में सीखने वाले हैं उसे हम सभी एमटीपी किट, एबॉर्शन किट या फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम सभी मीजोप्रोस्टॉल, मतलब इसका जो सॉल्ट होता है वह मीजोप्रोस्टॉल होता है। साथ ही साथ ये अपने मूल नाम मीजोप्रोस्टॉल से भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इसके अलावा यह अपने कुछ ब्रांड नेम से मिलती है, इसमें मीजो प्रोस्ट टेबलेट आपका आ जाता है। इसके अलावा आप इसको एबॉर्शन किट, एमटीपी किट आदि नाम से भी परचेज कर सकते हैं, बट यह शेड्यूल एच की दवा होने के कारण सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर सलाह लेने की दी जाती है। यदि आपको अनचाहे गर्भ की समस्या हो गई है किसी को, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस टेबलेट का प्रयोग करें, नहीं तो आपको कुछ घातक दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। आप ओटीसी के रूप में ना लें, मतलब ओवर द काउंटर आप इस टेबलेट का प्रयोग ना लें, मेरी यह सलाह है। तो इसी प्रकार के आगे हम वीडियो में जानेंगे कि यह किस प्रकार के एबॉर्शन को ठीक करने के लिए मेडिकल फील्ड में प्रयोग में लाया जाता है, साथ साथ कैसे इसका यूज करना चाहिए, क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम आज सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो दवाओं की अधूरी जानकारी होती है वह काफ़ी घातक होती है। साथ ही साथ वीडियो को अभी से लाइक कर दें, एवं चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मैं हूँ आपका दोस्त किशन, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मीजोप्रोस्टॉल आपका दवा का मूल नाम हो जाता है, और हमने इसके कुछ ब्रांड नेम जाने, जिसमें आपका मीजोप्रोस्टॉल, मीजोप्रोस्ट सबसे पॉपुलर ब्रांड है, जिस ब्रांड नेम से भी आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। इससे पहले हमने अनवांटेड किट के बारे में पूरी वीडियो बना रखी, पूरी डिस्क्राइब कर रखा है हमने, उसमें उसके यूज, डोज, लेने का सही तरीका, हर एक चीज़ के बारे में सीख रखे हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रॉपर लिंक दे दिया है, आप वहां से प्रॉपर अनवांटेड किट के बारे में, एमटीपी पूरी किट के बारे में सीख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम सिंगल सॉल्ट मीजोप्रोस्टॉल के बारे में सीख रहे हैं। अगर हम इसके यूजेज की तरफ देखते हैं विस्तार से, तो जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जान रखा है कि यह एक एबॉर्शन किट है, मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट है। तो यदि कोई महिला जिनको अनचाहा गर्भ हो गया हो, मतलब वह प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही थी बट वह प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हो, तो उस गर्भ को अबॉर्ट करने के लिए आपका इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई महिला जिनको एटॉपिक प्रेगनेंसी की समस्या हो गई हो, एटॉपिक प्रेगनेंसी वह प्रेगनेंसी होता है जिसमें महिला के गर्भाशय में बच्चा ना रह करके कहीं और पे ठहर गया हो, तब भी डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यह जो टेबलेट है, यह आपको यूटेरस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके काम करता है। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा यूजेज की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रयोग कई बार डॉक्टर द्वारा आपको एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। यदि कोई मिला जिनको डिलीवरी और डिलीवरी के बाद एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा हो, तब भी कई बार डॉक्टर इस टेबलेट का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये था महत्वपूर्ण यूजेज दोस्तों जो हमने आपको बताया, और इन चीज़ों को ही ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम इसके डोज की बात करते हैं, क्योंकि हम सिंगल सॉल्ट के बारे में सीख रहे हैं, तो इसका जो डोज होता है वह 200 मिलीग्राम एडल्ट्स के लिए होता है, दिन में एक बार प्रयोग में लेना होता है। बट या एबॉर्शन के टाइम इसका एक पूरा किट आता है, आप सिंगल सॉल्ट इसे परचेज ना करें, नहीं तो आपको कुछ कन्फ्यूजन सा लग सकता है। आप पूरा किट परचेज करें, और किट के बारे में हमने पूरी अच्छे से वीडियो बना रखी है, क्या क्या डोज होनी चाहिए, कैसे आपको इसको लेना है कंटिन्यू, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देख लें, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, यह था संपूर्ण डिटेल्स आपका सिंगल सॉल्ट मीजोप्रोस्टॉल के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई हो, उनको सीखने को मिला हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मैं हूँ आपका दोस्त किशन, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।